अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी कीवी बनाना स्मूदी, इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। कीवी बनाना स्मूदी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज जूस हमें चाहिए 1.5 कप। मैंने फ्रेश वाला ऑरेंज जूस लिया है और विद पल्प लिया है। आप चाहे तो पल्प हटा दें, लेकिन पल्प के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 हमें लार्ज साइज के बनानास चाहिए। आइस क्यूब हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। 2 हमें कीवी चाहिए, उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। 4 टेबलस्पून हमें हनी चाहिए। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जग लेंगे, उसमें हम ये कीवी ऐड कर देंगे। आइस क्यूब डालेंगे, बनानास इस तरह हम हाथ से तोड़ के डाल देंगे। हनी ऐड करेंगे, आप हनी की जगह शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरेंज जूस डालेंगे, और ये खट्टा वाला ऑरेंज जूस नहीं है, ये मीठा वाला ऑरेंज जूस है। इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको ब्लेंड करना है। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर को हटा दूंगी और ग्लास में डालेंगे। आप देख सकते हैं काफी थिक स्मूदी हमारी रेडी हुई है, और ये बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत टेस्टी बनती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। स्ट्रॉ रखेंगे और ऊपर इसका कैप दे देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्मूदी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने ये स्मूदी बनाई तो आपको ये कैसी लगी। आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और नॉर्मल डेज में भी आप बना सकते हैं। जब भी आप चाहें इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानल्लाह।